बच्चों गुड मॉर्निंग। आज अभ्यास 14 का तीसरा सवाल हम देखेंगे, ठीक है ना। अब इसको हम विस्तारित और विस्तार के रूप में कैसे इसको ग्रहण करते हैं, तो इसको देखिए 7.25 को हम लिखेंगे 7 × 2 = 10 और धन 5/100। अब 6 गा वाला देखिए 625.873। तो इसको देखिए 600+ पूर्णांक का विस्तारित रूप पहले पढ़ चुके हैं, 20 × 5 और धन 8/10 धन 7/100 धन 3/1000। हम पूर्णांक गिनती को इकाई दहाई सैकड़ा बाएं तरफ से बाएं दाहिनी तरफ से बाएं तरफ चलते हैं और दशमलव वाली गिनती दाहिने से बाएं तरफ रहते हैं, दसवां सौवां हजारवां 3 अंक तक दशमलव होता है। इसी तरह इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं। पांचवा देखिए संक्षिप्त में रूप में लिखिए 800 पचाए का पहला देखिए, अब इसको अपने से करिएगा बाकी सवाल। 800+20+3+7/10 धन 2/100 फिर धन 3/1000। अब इसको हम करेंगे इसी तरह जैसे इसको फैलाएं इसी तरह इसको समेट के लिखना है। 823.723 इसका उत्तर होगा। दशमलव के बगल में 10, 7 उसके बाद 3, 2 उसके बाद 3 ये हो गया संक्षिप्त रूप में लिखना। इसी तरह चौथा और पांचवा पूरा सवाल हल करना है। सम और विषम से भिन्न उदाहरण 1, 2 ये देखो उदाहरण हल किया गया है और इसको जो है उदाहरण पूरा इसको हल करना है। अब अभ्यास 15 देखिए समूह में कौन सम है कौन विषम है, जो संख्या 2 से भाग देने पर कट जाएगी वो सम भिन्न है और जो 2 से भाग देने पर नहीं कटेगा वो विषम भिन्न है। इसलिए इसी तरह पूरा सवाल जो है आपको देखो खाली जगह छोटा कौन बड़ा है इसको सब पहले से आप पढ़ चुके हैं, इसको अभ्यास 15 आप पूरा लगाइएगा। कल हम अभ्यास 7 पढ़ेंगे। अगर इसमें कोई समस्या है तो आप तुरंत इसको व्हाट्सएप पे आप भेजिएगा, हमारी समझ में नहीं आया तो उसको हम फिर से बताएंगे आपको।